एक और चीज, आजादी का तकाजा आजिजी इंकिसारी, अपने आप को बड़ा बना करके मत रखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आप दाखिल हुए, जब मक्का फतेह हुआ 10,000 सहाबा का लश्कर आया, मक्का फतेह हो गया बड़े आराम से सुकून के साथ, इक्का दुक्का झिड़प के वाकयात हुए, मक्का फतेह हो गया। लेकिन आपने ये नहीं दिखाया है मैं हूं, नहीं, आजिजी इंकिसारी तवाजो, आपने ऐलान कर दिया कि सारे लोग अमन में हैं, सुकून में। कैसे? अमनो अमान का ऐलान किया, जो फला जगह चला जाए उसको अमनो अमान, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको अमनो अमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जुल्म का मामला नहीं किया, कोई तकब्बुर का मामला नहीं किया, कोई घमंड नहीं दिखाया आपने, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिजी और इंकिसारी इख्तियार की, और दुश्मन सामने थे लेकिन उसके बावजूद उनके साथ रहम करम का मामला किया। एक और चीज इसी में, अफ़ो दरगुजर, अगर आप मजबूत हैं, आजाद हैं, आजादी आपको मिल गई है और उसमें भी आप मजबूत हैं, तो किसी के साथ आपको ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से वो कमजोर पिस जाए। अफ़ो दरगुजर का मामला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया और आपके हाथ में मक्का आ गया, तो आपने क्या ऐलान किया? ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, कोई तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, कोई तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ आजादी का एक तकाजा यह भी है कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें। आज देखिए, हम, मैं नहीं कह रहा कि इत्तेहाद हो ही जाएगा, कोशिश करना चाहिए, लेकिन आज देखिए एक घर में हम मुत्तहिद नहीं हो पाते तो पूरे मुल्क में हम मुत्तहिद कैसे हो सकते हैं? अपने अपने इलाके में हमें इत्तेहाद के साथ, मसला क्या है, कोई अपने स्टेटस से नीचे आना ही नहीं चाहता, हर एक को ओहदा चाहिए, ओहदा चाहिए, ओहदा चाहिए। क्यों चाहिए भाई? ओहदा रहेगा, ज्यादा सवालों जवाब आपसे होगा, आपको उतना ही ज्यादा अल्लाह के यहां आपसे पूछगछ की जाएगी, अल्लाह ताला आपसे सवाल जवाब करेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा मांगने से बचने की आपने तालीम दी। जो जितना बड़ा होता है ओहदे वाला, मालदार जैसा भी, उससे उतना ही ज्यादा सवाल होगा। हर कोई ओहदेदार बनना चाहता है, जिम्मेदार बनना चाहता है, नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जिम्मेदारों के साथ कॉपरेट कीजिए, जहां कोई जिम्मेदार गलत कर रहा मोहब्बत से समझाइए। और ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ किसी की टांग खींचना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये सारे मामलात नहीं होने चाहिए। तो ये आजादी के तकाजे हैं कि आजाद मुल्क में, आजाद इलाके में हमें इस तरह का काम करना चाहिए और ये चीजें हमें पूरी करना चाहिए। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।